असलम डे लर्नर्स एंड पोटेंशल ऑनटरप्रनीस एंड ऑनटरपोनीस वेलकम इन द वीडियो और हम बात कर रहे हैं ऑन्टरपनीस और मार्केटिंग के इश्यूज़ के हवाले से आ, कहा यह जाता है प्रोडक्ट को जो डिज़ाइन किया जाता है और उसके ऊपर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और जो पैकेजिंग की जाती है उसके ऊपर उस पर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो कॉस्ट एक तरफ और मार्केटिंग की कॉस्ट एक तरफ यानी जो आपने अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के बाद उसकी प्रमोशन करनी है उस प्रमोशन के लिए भी आपको बजट चाहिए होता है और यूजुअली अब तो खैर प्रमोशन के बहुत से चैनल्स खुलाएँ खुल गए हैं अदरवाइज़ प्रमोशन जो है पहले काफ़ी हद तक टेक्निकल थी टेक्निकल वो आज भी है ये टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग uh, मिक्स की इन अदर वर्ड्स हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज की अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स होता क्या है और उससे भी पहले हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती क्या है देखिए अगैन uh, अगर आप एक बिजनेस आइडिया लेकर आएंगे या फिर आप किसी इंक्यूबेशन सेंटर में बैठे हैं और आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपके पास कंज्यूमर प्रोडक्ट है खास तौर पे खास तौर पे हम कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आपसे सबसे पहला सवाल ये किया जाएगा आप कस्टमर को कैसे बताएंगे कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है इन अदरवाइज एडवर्टाइज कैसे करेंगे हम आपसे सबसे ज़्यादा यही सवाल बार बार पूछेंगे क्योंकि आप मार्केट में हैं ये आपकी प्रोडक्ट है और आप अपने कंपैक्टर से अच्छी प्रोडक्ट अच्छे डिज़ाइन के साथ बेच रहे हैं और खास तौर पर अगर ये ड्यूरेबल भी है तो ये कस्टमर को कैसे पता चलेगा ये बहुत अहम सवाल है आपने कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर के साथ और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को ही कहा जाता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज या किताबों में आपको मिलेगा मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स फिलप कॉटलर ने अपनी किताब में किस तरह से डिफाइन किया हुआ है द स्पेसिफिक ब्लेंड ऑफ प्रमोशन टूल्स दैट द कंपनी यूजेस टू परसोसिवली कम्युनिकेट कस्टमर वैल्यू एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप आपने कस्टमर को कन्विंस करना है उसको परसुएट करना है उसको आगाह करना है उसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी है और उसको ये कॉन्फिडेंस देना है कि वो बार 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 आपकी प्रोडक्ट बाय करें तो आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा और कम्युनिकेशन के लिए आपके पास मल्टीपल टूल्स होंगे अगर अगेन किताबों में देखा जाए या फिर इंटरनेट के ऊपर जितना भी मटेरियल अवेलेबल है मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के हवाले से या फिर ऑन्टरप्रीनोरशिप की किताबों में अगर आप देखें तो आपको मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स के ये वाले टूल्स नज़र आएंगे एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन पर्सनल सेलिंग पब्लिक रिलेशनस डायरेक्ट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग इनकी डेफिनेशन जो फ़िलिप कॉटलर ने अपने बुक में दी है उसको देख लेते हैं ताकि हम फिर ये डिसाइड कर सकें कि हमने कौन सा टूल इस्तेमाल करना है कोई एक टूल या मल्टीपल टूल्स एडवरटाइजिंग को फिलिप कॉटलर ने अपनी किताब में डिफाइन किया है कि एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज गुड सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर यानी पता होना चाहिए कि कौन एडवर्टाइज़ कर रहा है एडवर्टाइज क्यों किया जा रहा है ऑब्वियसली आप कोई चीज कोई सर्विस कोई आइडिया प्रमोट करना चाहते हैं और किस तरह प्रमोट करना चाहते हैं पेड सर्विसेज होंगी यानी आप पे करेंगे और कोई चैनल या कोई आपका इश्हार चलाएगा कोई चैनल राइट सो दिस इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग वो आप टीवी कमर्शियल के ऊपर भी कर सकते हैं वो आप अखबार में भी कर सकते हैं फिर हम हम बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की सेल्स प्रमोशन है क्या शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू इनकरेज द परचेज और सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस आपने देखा होगा बाजूकात ही होता है कि आप कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री आजकल हमारी सेल्स प्रमोशन चल रही है लाइक वाइज आपके कहते हैं कि आजकल हमारी सेल्स प्रमोशन चल रही है अगर आप मुझसे ये पॉइंटर खरीदेंगे तो आपको इसके साथ एक साल की वारंटी फ्री मिलेगी या फिर आजकल हमारी सेल्स प्रमोशन चल रही है अगर आप हमसे ये मोबाइल बाय करेंगे तो इसके साथ थर्टी टू का एक कार्ड आपको फ्री मिल जाएगा या कवर फ्री मिल जाएगा या एक हैंड फ्री फ्री मिल जाएगी सो so, प्रमोशनल आपका सेलिंग प्रमोशन क्या है सेल्स प्रमोशन क्या है सॉरी इट्स अ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव जो आप ऑफर करते हैं कस्टमर को और फिर वही बात आ जाती है वो बस क्रिएट होती है फिर वो जैसे मिसाल के तौर पे एक मोबाइल कंपनी ने अपना मोबाइल लॉन्च किया और उसके साथ उन्होंने कहा कि इसके साथ हम आपको सेल्फी स्टिक फ्री देंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली ये खबर फैलना शुरू हो गई और बाकी लोगों ने भी आके उसको बाय करना शुरू कर दिया तो एक महीने के अंदर उनकी सेल्स वॉल्यूम डबल हो गया वाई बिकॉज उसके साथ एक बहुत अच्छी क्वालिटी की सेल्फी स्टिक फ्री मिल रही थी फिर आ जाते हैं पर्सनल सेलिंग के अंदर पर्सनल सेलिंग या डोर टू डोर सेलिंग भी हो सकती है फर्म्स uh, के अंदर भी अगर आप इंडस्ट्रियल गुड बेचना चाह रहे हैं तो आपको खुद जाके मिलना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट डिफाइन करनी पड़ती है मेडिसिन हैं तो आपने देखा होगा सेल्स रैप होते हैं वो जाके या जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई फर्म ओपन करनी है जिस तरह कोई इंश्योरेंस uh, बेच रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आते हैं रिप्रजेंटेटिव वो अपनी पूरी की पूरी एक उनके हाथ में एक पेज होता है उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पर्सनली कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपके कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर्सनल सेलिंग के अंदर आ, फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास डायरेक्ट मार्केटिंग डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है ठग से कस्टमर के पास जाओ और कस्टमर को जिस तरह आपने देखा होगा आप बाजात आप किसी शॉपिंग मार्ट में जा रहे हैं और आप चल रहे होते हैं अपनी तो फैमिली के साथ और कोई आपके पास आता है या अगर आप मार्केट में जा रहे हैं कोई आपके पास आता है और कहता है एक्सक्यूज में मेरी बात सुने और उसके बाद वो 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 आपके आ, को कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहा होता है और आपसे वो इमीडियट रिस्पॉन्स ले रहा होता है पर्सनल सेलिंग भी काफ़ी हद तक डायरेक्ट मार्केटिंग में ही आती है बट डायरेक्ट मार्केटिंग ये होती है आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ जाके डील कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपने सेल्स प्रमोशन के किसी जगह पर इश्तहार लगाए हुए हैं और उसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन जो हमने बात की थी दैट इज़ पब्लिक रिलेशनिंग पब्लिक रिलेशंस पब्लिक रिलेशन ज्यादातर वो बिजनेसिस करते हैं जो कि लार्ज स्केल बिजनेसिस हैं क्या करते हैं कंपनी अपने कस्टमर के साथ और उसके साथ अपनी पब्लिसिटी के लिए बाकी भी जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ एक अच्छा कॉरपोरेट इमेज बिल्ड करने के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं फिलिप फिलिपकार्ट ने अपनी किताब में पब्लिक रिलेशंस की क्या डेफिनेशन दी है बिल्डिंग गुड रिलेशंस विद द कंपनीज वेरियस पब्लिक्स बाय ऑब्टेनिंग फेवरेबल पब्लिसिटी बिल्डिंग अप अ गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड हैंडलिंग और हेडिंग ऑफ अनफेवरेबल रूमर स्टोरीज एंड इवेंट्स बाजात आपकी प्रोडक्ट जो आप मार्केट में बेच रहे थे उसके बारे में कोई गलत ख़बर मशहूर हो जाती है कि इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रीडियंट है जो हलाल नहीं है या इसके अंदर कोई ऐसा इन्ग्रीडियंट है जो बच्चों के लिए हार्मुल है और फिर आपको बार 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 उस इमेज के ऊपर काम करना पड़ता है लोगों के जहनों को क्लियर करना पड़ता है कस्टमर का ट्रस्ट रीबिल्ड करना पड़ता है जितने भी आपने फॉर्म्स देखी होंगी जो कोई इवेंट्स कर रही हैं फैमिली के लिए इवेंट्स कर रही हैं uh, कोई अवेयरनेस कैंपेन चला रही हैं कोई कहते हैं जी हम कचरा उठाएंगे कोई कहते हैं हम बच्चों के पढ़ने के तो अखराज उठाएंगे बेसिकली इट्स ऑल अबाउट पब्लिक रिलेशन दे ट्राई टू गेट गुड रिलेशनशिप विद ऑल देयर स्टेक होल्डर्स आप भी कर सकते हैं ऑन अ स्मॉलर स्केल आप भी कर सकते हैं क्योंकि इससे बेसिकली आपको एक फेवरेबल इमेज uh, आपका डेवलप होता है बिज़नेस का जो अल्टीमेटली आपकी सेल्स को बढ़ा रहा होता है कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपको हमने कहा कि आपके पास एडवर्टाइजिंग भी है आपके पास डायरेक्ट सेलिंग भी है पर्सनल सेलिंग भी है आपके पास पब्लिक रिलेशनस भी है आपके पास डिजिटल मीडिया भी है आपके पास बहुत से टूल्स हैं जिसके थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं एडवर्टाइज़ कर सकते हैं और एक बात याद रखिएगा एडवर्टिजमेंट के भी मुख्तु पर्पज़ होते हैं नंबर वन या तो आप पहली बार मार्केट में आ रहे हैं तो आपने लोगों को कन्विंस करना है उसमें आप इंफॉर्मेशन ज़्यादा ऐड करते हैं बेनिफिट्स ज़्यादा ऐड करते हैं आपने अक्सर देखा होगा जो नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है क्यों उन्होंने पहली बार अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के साथ इंट्रोड्यूस करवाना होता है या फिर दूसरी ऑप्शन क्या होती है आपने बताना ये होता है आपने मार्केट कॉम्पिटिशन विन करना होता है मार्केट कॉम्पिटिशन विन करने की जो एडवर्टीजमेंट होती है या उसके जो टूल्स होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे एक होती है रूटीन मैटर में कि आप री इन्फोर्स करना चाहते हैं कि देखो ये सरफ का पैकेट जो तुमने खरीदा है ये बार 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 मुझसे ही खरीदना आपने अक्सर अपनी टी वी कमर्शल्स में देखा होगा बड़े इस्टेबलिश्ड ब्रांड्स हैं और वो बार बार टी वी कमर्शल्स चला रहे हैं सो so उनका पर्पज़ बेसिकली आपको कन्विंस करना नहीं होता ब्रांड आप ऑलरेडी रिकग्नाइज कर रहे होते हैं सिर्फ वापस को याद दहानी करा रहे होते हैं कि जब भी आपने प्रोडक्ट बाई करनी है वी आर स्टिल इन द मार्केट हमने चीज़ों को इम्प्रूव कर लिया है आप हमारी ही प्रोडक्ट बाई करें सो so, आपने जब भी एडवर्टाइज़ करनी है अपनी अपने बिजनेस को या अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को ये ज़रूर जहन में रखना है कि आपका पर्पस क्या है और उसी के मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे टूल और अगर आप मल्टीपल टूल इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन आई और आजकल इसी का दौर है अच्छा आ, फिलिप कॉटलर ने अगेन अपनी किताब के अंदर क्योंकि फिलिप कॉटलर को मार्केटिंग का गुरु समझा रहा था इसलिए हमने सारी डेफिनेशन वहीं से ली हैं, ताकि आपको आसानी हो समझने में फिलिप कॉटलर ने आई को किस तरह से डिफाइन किया है सेंसिबली इंटीग्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंपनीज मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स टू कम्युनिकेट अ क्लियर रिलायबल कन्विंसिंग एंडसिफ मैसेज अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस और एन ऑर्गनाइजेशन इसके अंदर इंटीग्रेटेड मार्किटिंग कम्युनिकेशन को जो चीज़ बिल्कुल अलग करती है दैट इज इंटीग्रेटिंग मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स क्या आप सिर्फ टेलीविजन पर इश्तहार चलाएँगे क्या आप सिर्फ फेसबुक पर अपना इश्तहार चलाएँगे क्या आप फेसबुक और इंस्टाग्राम और उसके अलावा जितने भी और सोशल टूल्स हैं लिंकेड या लिंकेड तो खैर उसके ऊपर भी अपनी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं क्या वहाँ पर अपना जो है वो एड चलाएँगे क्या आप जो महल्ले की अपनी सड़क है उसके ऊपर बैनर लगा देंगे क्या आप अखबार में भी अपनी ख़बर छापेंगे क्या आप लोगों के घरों में पम्फ्लेट्स फेंकेंगे ठीक है जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा अकेडमीज़ अगर आप ओपन करते हैं तो उन्होंने पम्फ्लेट्स हर एक के घरों में फेंके हुए होते हैं या रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं किसी भी महल्ले की कॉर्नर के ऊपर तो उन्होंने अपने पम्फ्लेट्स घरों के अंदर पहनके होते हैं कि वी आर हेयर नाउ और हम अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं क्या आप कोई इवेंट करेंगे क्या आप जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर अगर आपके एरिया में कोई एक छोटी सी दुकान खुलती है तो अब तो उनको भी आइडिया हो गया वो बहुत सी लाइट्स लगाएंगे म्यूजिक ऑन करेंगे अगर वो दुकान ऐसी है कि जिसमें बच्चों की चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वो बच्चों के अट्रैक्शन के लिए कोई ना कोई डिस्प्ले इस तरह से कर लेंगे या कोई मिकी माउस या कोई ऐसे करेक्टर आगे डिस्प्ले कर देंगे जिससे बच्चे जो है वो बार बार उसकी तरफ आना चाहेंगे अटेंशन ग्रैप करेंगे और उसके बाद दुकान का अफ्तः हो रहा होता है सो so, आपने बेसिकली इस्तेमाल क्या करना है कौन सा चैनल इस्तेमाल करना है अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए मल्टीपल स्ट्रैटजीज हैं नंबर एक आपके पास सोशल मीडिया है नंबर टू आपके पास मोबाइल के ऊपर आपने देखा होगा बहुत मैसेजेस आते हैं और अब तो एस एम मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो गई ना एस के ऊपर आपको मल्टीपल सर्विसेज की ऑफर आ रही होती है आ, आप ब्लॉग्स अगर कोई लिख रहा है तो ब्लॉग्स जो लिख रहे हैं उनको जा कर कर सकते हैं जो इन्फ्लुन्सर हैं यूट्यूब पर उनसे रब्ता करते हैं वो आ रहे हैं और आपके ढाबे बैठ के खाना खा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम यहाँ पर आए हैं और अगर उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं तो आपका मैसेज छुटकियों में मिलियंस तक पहुंच गया है आपने अखबार में ख़बर छपवानी है आपने वीडियोस बना के वीडियोस अब अप, अपलोड करनी है आपने अपनी वेबसाइट बनानी है और वेबसाइट के ऊपर बैनर्स लगाने हैं किसी और की वेबसाइट के ऊपर अपने बैनर्स लगाने हैं जो साइट के ऊपर हमारे पास आ, आ रहे होते हैं आपने अपना जो बिज़नेस है उसकी सर्च की जो इंजन है उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है आ, प्रिंट मीडिया में जाना है अब तो केबल वाले भी जो हैं वो एड देते हैं इश्तहार देते हैं छोटे छोटे और छोट छोटी छोटी कंपनीज अपने सादे सादे कैमराज के साथ इश्तहार बना के तो केबल्स पर चला रही होती हैं और वो एक मोहल्ले की केबल जो होती है वो महल्ले में बता देती है कि नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है आपने कौन सा टूल या कौन से मल्टीपल टूल इस्तेमाल करने हैं अपनी प्रमोशन के लिए प्रमोशन बहुत ज़्यादा जरूरी है जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपने कस्टमर को और ये नहीं बताएंगे कि यू आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट कस्टमर को पता नहीं चलेगा इसीलिए प्रमोशन इंतहाई अहम है ये मल्टीपल टूल्स हैं आपके पास इन टूल्स को बहुत ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है उसकी वजह ये होती है कि ऐसा ना हो कि आप अपनी प्रोडक्ट किसी ऐसी जगह प्रमोट कर रहे हैं जहां आपका कस्टमर बैठा ही नहीं हुआ और आप प्रमोशन के ऊपर ढेर ढेर सारे पैसे लगा चुके हैं फेसबुक प्रमोशन भी अब इतनी सस्ती नहीं रही है अगर आप फेसबुक पे जाते हैं अपना पेज बनाते हैं तो वहाँ पे भी आपको सर्डन पेमेंट करनी पड़ती है जिससे वो आपके नंबर ऑफ़ लाइक्स और और बहुत सी फीचर्स जो हैं वो आपको ऑफर कर रहे होते हैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सजेशंस देने के लिए दूसरे लोगों को सो अगेन इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक इसकी ज़रूरत तवज्जो करें और अपनी एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन या अगर कोई आपने एक भी टूल इस्तेमाल करना है तो उसको देखें कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो